मैं टुडे में आपका स्वागत है। नगरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मंत्री बनने के बाद पहली बार नीमच आए तो उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के नेतृत्व में टाउन हॉल में भव्य कार्यक्रम हुआ, जहां स्वाति चोपड़ा ने जोरदार भाषण दिया और उनके मांग पत्र को कैलाश विजयवर्गीय ने स्वीकार करते हुए सभी मांगे मान ली और जल्द ही नीमच को सौगात देने की बात कही। साथ ही उन्होंने भरे मंच से नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा की जमकर तारीफ की और उनके धारा प्रवाह भाषण की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि संतोष जी की बहू नीमच की दशा सुधार देंगी। जी हां, संतोष चोपड़ा और स्वाति चोपड़ा की प्रशंसा में जब नगरी प्रशासन मंत्री ने फूल बांधे तो देखने वाले भी हैरत में पड़ गए, क्योंकि पिछले दो दिनों से नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और संतोष चोपड़ा के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा था और नीमच में इस तरह की स्थितियां पैदा की जा रही थी कि कहीं ना कहीं कार्यक्रम फेल हो। नगरी प्रशासन मंत्री के सामने नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा को लेकर एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे कई शिकायतें हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि उल्टे नगरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्वाति चोपड़ा और संतोष चोपड़ा के कार्यों की तारीफ की और बाद में उनके घर जाकर भोजन भी ग्रहण किया। इससे जो उनके विरोधी थे वे चारों कोने चित हो गए। अब वे चाहे कितने भी आरोप लगाए, कितने ही झूठी बातें कहें, लेकिन नगरी प्रशासन मंत्री नगर पालिका अध्यक्ष की पीठ थपथपा गए और उनके कार्यों की प्रशंसा करके गए। देखिए यह खास खबर। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तय कार्यक्रम से 3 घंटे देरी से नीमच के टाउन हॉल पहुंचे। आते ही उन्होंने पहले माइक संभाला और बोले कि मैं क्षमा मांगता हूं आप लोगों से, 4 बजे से बैठे हैं और मैं 9 बजे आ रहा हूं। इस पर खचाखच भरा टाउन हॉल तालियों से गूंज उठा। अपने भाषण में कैलाश विजयवर्गीय ने नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और भाजपा नेता संतोष चोपड़ा के विरोधियों को करारा जवाब देते हुए स्वाति चोपड़ा की जमकर तारीफ की। अपने भाषण में उन्होंने 4 बार स्वाति चोपड़ा और संतोष चोपड़ा का नाम लिया। विजयवर्गीय ने कहा कि मैं स्वाति को गृहिणी समझता था कि 2 शब्द कहेंगी और चुप हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने जो धारा प्रवाह भाषण दिया है गजब का है, हमें भी पीछे छोड़ दिया। स्वाति चोपड़ा नीमच की दशा सुधार देंगी, भरपूर विकास करेंगी। विजयवर्गीय ने स्वाति चोपड़ा द्वारा रखी गई सभी मांगों को पूरा करने की बात कही और साथ ही उनके कार्यों को सराहा। इस अवसर पर सांसद सुधीर गुप्ता, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक माधव मारू, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, अल्पसंख्यक मोर्चा के कमला भाई, नगरपालिका उपाध्यक्ष रंजना परमाल, मंडल अध्यक्ष योगेश जैन, मोहन राणावत सहित नगरपालिका के पार्षद और सभापति उपस्थित थे। बोले भारत माता की। मजा नहीं आया, मैं समझ सकता हूँ कि 4 बजे का समय था और 9:30 बज रहा है, ज़्यादा लेट नहीं हूँ, 5:30 घंटे और उसके बाद भी आप छोटे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और आपका अभिनंदन। मंच पर उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष पवन जी, आज जिनको हल्दी लगा दी पार्टी ने और दूल्हे के रूप में आपके साथ हैं श्री सुधीर जी, जरा तालियां बजाकर सुधीर जी का स्वागत करें। 1857 में मराठाओं की फौज में सैनिक की भांति जिस परिवार के सदस्य आपके विधायक के दिलीप जी के लिए भी जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। मनासा के टाइगर और वहाँ के बहुत ही जुझारू विधायक अनिरुद्ध के नाम से तो आपको बहुत लोग कम जानते होंगे, माधव मारू जी ताली बजाकर उनका भी स्वागत करें। हमारे अशोक पोरवाल जी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रतलाम के कमाल भाई भी हमारे बीच में आए, जरा तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। श्रीमती शारदा देवी जी, श्री योगेश जी जैन, मोहन सिंह जी, श्रीमती रंजना करण सिंह जी, राकेश जी भारद्वाज, हेमंत जी हमारे पूर्व अध्यक्ष, देवीलाल जी धाकड़ जो बहुत ही सज्जन बहुत विधायक रहे मेरे साथ, राकेश पप्पू जैन जिन्होंने ये हॉल बनवाया था, जरा ताली बजाकर इनका भी स्वागत करें। यहाँ मंच पर उपस्थित सभी पार्षदगण जितने भी नेता, सबके लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजा दीजिए एक बार, और एक बार आपके आपके चरणों में मुझे प्रणाम करता हूँ, आपके लिए मैं ताली बजाता हूँ। आप इतने धैर्यवान लोग हैं कि 5 घंटे बाद भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं जब संतोष जी ने मुझसे कहा था कि आपको आना है तो मैं क्या ज़रूर आऊँगा, फिर यहाँ स्वाति के भाषण को सुना मैंने तो मेरे को लगा कि घर की गृहिणी है
दो चार पाँच मिनट बोलेगी, तो इतना लंबा भाषण झाड़ दिया कि ये भी देखते ही रह गया। मैंने सुधीर जी से बोला, मैंने कहा क्या बात है, तो मैं तो समझ रहा था कि संतोष जी की बहू है, पाँच सात मिनट बोलेगी, और लंबा भाषण दिया, अच्छा भाषण दिया, जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। मंत्री विजय वर्गीय ने नगर पालिका के पार्षदों को सीख देते हुए कहा कि काम की खुशबू दूर तक जानी चाहिए, अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एक पार्षद विधायक तक पहुंच सकता है, जिसका मैं खुद उदाहरण हूं। कैलाश विजय वर्गीय ने विधायक दिलीप सिंह परिहार को निष्ठावान और क्रांतिकारी परिवार का बताया। वहीं मनासा विधायक माधव मारू को मनासा का टाइगर कहा। नीमच नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश जैन की तारीफ करते हुए विजय वर्गीय ने कहा, इस सुंदर टाउन हॉल का निर्माण कार्य पप्पू भाई ने कराया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, इंदौर से हमारे सांसद को हम 8 लाख वोटों से जिताकर भेजेंगे। आप सुधीर गुप्ता को 8.5 लाख से जिताइए, वे दूल्हे बन गए हैं, उन्हें हमें फिर से संसद में भेजना है। खींच कर लाया है, आज हम अभिभूत हैं। हम जब पहली बार मोदी साहब से मिले चुनाव जीतने के बाद, तो उन्होंने कहा तुम लोग अगर 11 घंटे काम करोगे तो मैं 14 घंटे काम करूँगा, तुम लोग अगर 14 घंटे काम करोगे तो मैं 17 घंटे काम करूंगा। अब उधर हमने मोदी जी से अनुसरण करने की कोशिश की, और इधर हमारे महासचिव बनकर पार्लियामेंट्री हमारी टीम के लीडर बनकर कैलाश जी आए। अब मैंने कहा उधर तो मोदी साहब और इधर कैलाश जी, कैलाश जी से जब तक आपकी इच्छा और रात मिलो, अगर आपके मन में आया 1 बजे मिलने का तो 1 बजे मिलो, 2 बजे मिलने का है तो 2 बजे मिलो, दादा 2:30 बजे पहले तो सोते ही नहीं। ये राजनीतिक क्षेत्र में विकास की संकल्पना और लोगों के लिए काम करने का जज्बा न दिन देखते हैं न रात। हम अनुसरण करके कैलाश जी का और बहुत अभिभूत हुए। छात्र राजनीति में हमने जिनका नेतृत्व स्वीकार करते हुए बॉस की श्रेणी में रखा, बॉस इज ऑलवेज बॉस, बॉस हमारे 75 के उस सन में बने थे और आज भी हमारे दिलों पर राज करते हैं, ऐसे कैलाश विजयवर्गीय नीमच की धरा पर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, भरा पूरा मंच है। मैं सबके नाम, विधायक जी, नगर परिषद अध्यक्ष जी, माधव जी, ऐसे सब के नामों को नमन कर रहा हूँ, क्योंकि हम कैलाश जी को समय सुनने का ज़्यादा देंगे। मुझे मन में बहुत प्रसन्नता है कि आप सब लोगों ने मुझे 2 बार लोकसभा में सांसद करके भेजा था। क्योंकि पॉलिटिक्स परफॉर्मेंस की होती है और आपके मनों के अंदर परफॉर्मेंस चेक करने का जज्बा भी रहता है। दूध में कितना पानी, इसको चेक करने के लिए इलेक्ट्रोमीटर है। शरीर में कितना ताप, इसको नापने के लिए थर्मामीटर है। और इसीलिए मैंने कोशिश किया कि अपना परफॉर्मेंस 3 साइड में दे सकूं, लोकसभा के अंदर विचारधारा के प्रवाह के कारण देश भर के अंदर, और चूंकि मतदाताओं ने मुझे चुना है इससे विकास के अंदर। मैं गर्व करके कह सकता हूं कि मैं नीमच की धरा पर खड़ा हूं, पप्पू भैया के बाद स्वाति बहन है। भारत सरकार ने इस नीमच को अमृत शहर घोषित किया, 1 सांसद को 1 शहर। हम गर्व से मंदसौर और नीमच 2 शहरों को अमृत शहर घोषित करा पाने में सफल हुए थे, बहुत बड़ी राशि के साथ। और चुनाव का बिगुल बज गया है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने सुधीर गुप्ता जी को सांसद के लिए दूल्हा बना के हमारे पास भेजा है, हम इनको जिताकर और दिल्ली भेजेंगे, ये संकल्प आज हम लेते हैं। मुझे आप लोगों ने लगभग 27,000 वोटों से जिताया। जब लोकसभा का चुनाव हो तो इस सीट को हमें 3 गुना बढ़ाना है, घर घर जाना है और लोगों से वोट डलाने का काम करना है। कैलाश जी भाई साहब, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, पहले भी पूरे संसदीय क्षेत्र में नीमच से सबसे ज्यादा वोटों को से सुधीर जी को जिताया था, आपके भी पूरे संसदीय क्षेत्र में नीमच विधानसभा से सबसे ज्यादा वोटों से और नीमच जिले से जिता कर हम भेजेंगे। आज 13 करोड़ रुपए के कामों का हमने भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। तेरा आज मन में और प्रसन्नता है कि जिस सभागृह में हम बैठे हैं, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह सभागृह है, और
उन्होंने एक सपना देखा था देश की नदियों को मिलाने का। वो सपना हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब और वर्तमान के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरा किया है। गांधी सागर का पानी नीमच जिले के प्रत्येक गांव की मंजूरी दी है, प्रत्येक जिले गांव में सिंचाई के लिए पानी आएगा, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चित ही अब हमें अब कुछ नहीं चाहिए, स्वाति बहन ने आपसे सब कुछ कहा है, पर मैं तो मन के गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। एक संत ने मुझे कहा था कि कैलाश जी से आप जब पीडब्ल्यूडी मंत्री है थे तब एक बाईपास बनाया था, उन्होंने कहा था नीमच अगर गोले में आ जाएगा तो जयपुर के बाद नीमच और इंदौर के बाद नीमच विकास विकसित सिटी होगी। तो आज डॉक्टर मोहन यादव जी ने 111 करोड़ रुपए देकर और उसे मैं गोले में लेने के लिए स्वीकृति दी है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे भारत माता से अवर, तेरा विमोह मर रहे माँ हम दिख जा रहे न रहे। इस देश में देव पुरुष प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में भारत शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाए। हमारी माताएं बहनें जो आज यहाँ बैठी है उनको हमने एक संदेश दिया, बेटी के पांव पूजे, बेटी को आने दो, बहना को लाडली बहना बनाया और बहनों को 50% का आरक्षण नगर पालिका नगर पंचायत और सब में दिया, इसीलिए बहन स्वाति अध्यक्ष बनी है और ये बहनें सभापति बनी है। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी ने 33% का आरक्षण सांसद में और विधायक में दिया है, इसलिए मैं बहनों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। हम अधिक क्या मांग। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और भाजपा नेता संतोष चोपड़ा के विरोधियों को करारा जवाब दिया। दो दिन से भाजपा विरोधी नीमच शहर में नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे। नगरीय प्रशासन मंत्री के सामने छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कैलाश विजयवर्गीय ने नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और संतोष चोपड़ा की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम में जहाँ उनकी प्रशंसा की और उनके घर जाकर भोजन भी ग्रहण किया। नगरीय प्रशासन का यह तेवर देख विरोधी चारों खाने चित्त हो गए, उनका यह षड्यंत्र धरा रह गया। दिल में अपने जहन में उदार भी रही, दिलदार भी रही। उनका किरदार है किसी बागवान का, वही एतबार है परिवार भी रही। ऐसे हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय परम श्रद्धेय है, जिनका व्यक्तित्व का परिचय ये पंक्तियाँ देती है, उस शब्द का जिससे अंतकरण के भाव से हम सभी जुड़े हैं। चुनौतियों को स्वीकार करने वाले, धर्म के ध्वजा रोहक, प्रखर राष्ट्रवादी भावभक्ति के ओत प्रोत, राजनीति में कुशल नेतृत्व देने वाले, हरियाणा से बंगाल तक भाजपा का परचम फैलाने वाले, इंदौर को प्रथम पायदान पे लाने वाले, स्नेह अधिकार के पर्याय, सही अर्थों में जननायक ही आपका असली परिचय है। कैलाश पर्वत का आपका यह विराट व्यक्तित्व सार्वजनिक